आईपीएल 2018 में हैदराबाद ने की धमाकेदार शुरुआत, राजस्थान को दी 9 विकेट से मात। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की खेल जगत की दुनिया में आपका बेहद स्वागत है। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को शिखर धवन के धुआंधार अर्धशतक की बदौलत 9 विकेट से मात देकर नए सीजन की शानदार शुरुआत की है। हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में राजस्थान द्वारा जीत के लिए दिए 126 रन के लक्ष्य को 9 विकेट और 25 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया गया। शिखर धवन ने 57 गेंदों में नाबाद 77 रन की पारी खेली, वहीं कप्तान कैन विलियमसन ने 36 रन बनाकर नाबाद बने रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे विकेट के बाद नाबाद 121 रन की साझेदारी हुई। जीत के लिए 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करने आए रिद्धिमान साहा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान कैन विलियमसन उतरे। इसके बाद शिखर और विलियमसन ने कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। इन दोनों ने 69 गेंदों में शतकीय साझेदारी पूरी की। धवन ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। धवन ने इस अर्धशतकीय पारी में 13 चौके और 1 छक्का जड़ा। आईपीएल 11 के तीसरे दिन हैदराबाद के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में खेलने उतरी रॉयल्स की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर महज 125 रन ही बना पाई। जीत के लिए हैदराबाद को 126 रनों का आसान लक्ष्य मिला और फिर क्या था, हैदराबाद ने दिखाया कमाल और कर लिया पासा अपनी तरफ। दरअसल टॉस हैदराबाद की टीम जीती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी। दरअसल हैदराबाद का रिकॉर्ड अपने घर में शानदार ही रहा है। राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद ने अब तक 30 में से 20 मैचों में जीत हासिल की है। घर यानी के हैदराबाद में खेले हुए 13 मैचों में से 10 में हैदराबाद टीम विजयी ही रही है। ऐसे में राजस्थान टीम के लिए उन्हें चुनौती दे पाना पहले ही आसान नहीं था और एक बार फिर टीम हैदराबाद ने अपना लक्ष्य हासिल कर ये साबित कर दिया है। तो चलिए अभी के लिए दीजिए इजाजत। आईपीएल से जुड़ी हर खबर को अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपसे कोई मैच छूट भी गया है तो हम लाने वाले हैं आपके लिए सभी लाइव अपडेट्स, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे ऐसी ही खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।